आज किसी से उठा नहीं जा रहा, सबको नींद बड़ी अच्छी आई है। मैं मगर एक्सरसाइज करूंगी, कल बहुत ज्यादा पानी पूरी और क्या खा लिया था भाई हमने, नूडल्स पानी पूरी। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूंगी। ओ भाई मेरी तो बिल्कुल बॉडी बिल्कुल जर्म हो चुकी है। कूल ही करूंगी ज्यादा कुछ मैं। हाँ क्या हो गया, गद्दे को देख के भौंक रहा भाई। बूची क्या हो गया? और अरे अरे भगाओ जो भगाओ। बूची क्या हो गया बेटा, क्या हो रहा है गोलू? अब शादी के लिए सारे गद्दे वद्दे आ रहे क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उनके सोने का इंतजाम होने वाला है। डे अनदर शॉपिंग और अभी हम जा रहे हैं ज्वेलरीज के लिए। मतलब ज्वेलरीज भी हमने फाइनल नहीं करी है, कुछ भी हमारा फाइनल पूरा नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से। अगर मैंने ज्वेलरीज के लिए जो मैं हल्दी मेहंदी एंड संगीत में वेयर करने वाली हूँ, तो मैं बस वही लेने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मुझे क्या क्या पसंद आने वाला है। इतना भी टाइम नहीं है कि घर पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर पाऊँ, रास्ते में ही करना पड़ रहा। मन कर रहा है बस रेस्ट करो यहाँ पर आराम से लेट के, मगर वो दिन चले गए हैं, वो शादी के बाद ही वो दिन आएंगे रेस्ट करने के। अब सिर्फ काम काम के दिन है। बस गुची के लिए मुझे बुरा लग रहा है कि बेचारा कोई भी फंक्शन नहीं अटेंड कर पाएगा, बट कोई बात नहीं, बहुत शैतान भी है। मेरा भी फोन खो गया था और सुधीर ने मेरा फोन ढूंढ कर दिया है, पता नहीं कहाँ चला गया था। हमारे बीच में दूल्हे राजा भी आ चुके हैं। दूल्हे राजा yes. आपका सामान यहाँ रखा है, ले जाइए। दूल्हे राजा आप क्या पढ़ रहे हैं? आज से हम आपको दूल्हे राजा बोलेंगे, ठीक है सुधीर? सुधीर क्या बोलेगा लखन को? नहीं दूल्हे राजा, दूल्हा भैया, ठीक है सुधीर। बूची को निन्नी आ रही, निन्नी 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 प्यारे बच्चे को। कपड़े चेंज कर लिए, अब हम तीनों निकल चुके हैं नई शॉपिंग की तरह। पहले घर जाएंगे, मम्मी को पिक करेंगे, उसके बाद थोड़ी शॉपिंग और करेंगे, और आज लास्ट डे है शॉपिंग का, ठीक है? तो आज के बाद तुम्हें कोई शॉपिंग नहीं करनी, समझ गए? और मुझे तो लेकर बिल्कुल नहीं चलना, मतलब मैं ब्राइड हूँ, मुझे कहीं से भी फील नहीं हो रहा कि मैं ब्राइड हूँ, क्योंकि मैं खुद ही है ना, मैं खुद ही सिलेक्शन करवाती, क्योंकि यार मुझे ना इन बच्चों पर भरोसा, खासकर इस मैंने यार इसने बहुत हेल्प की है। कैसे इसने हर चीज में हेल्प की? बार्गेनिंग यार, और ये इतनी, मैं बोलते रहूंगी, और ये इतनी ज्यादा बार्गेनिंग करता कर सकता है, इसके स्किल्स इतने परफेक्ट है, आप इसे क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर एक यूट्यूब चैनल खोल हाउ टू बार्गेन, अगर कोई शॉपकीपर देख रहा होगा ना उसका शक्ल याद आ जाएगी, उसको भगा देगा पहले ही। गाइज वी आर वेरी ग्लैड क्योंकि आज हमारा ब्लॉग 18 पे और 24 ट्रेंड कर रहा है। 13, 18 and 20 पे ट्रेंड कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा कुछ। अभी हमने जैसे ऐसे ही रैंडम देख लिया कि यार ट्रेंडिंग पर आया या नहीं आया, और तीन ब्लॉग ट्रेंडिंग पर है। अभी एक कार वाला आगे से रुक गया था, पता नहीं क्या हुआ, फिर बाद में बेचारा हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। संदीप का सबको डांस बहुत पसंद आया है। नहीं संदीप ने किया भी अच्छा है। नहीं शादी में जो डांस होने वाला ना संदीप का सबसे बेस्ट होगा, मगर पूनम दीदी अकेले कह रही है, संदीप अकेला है ना, तो आप उसको नहीं लेगी ना डांस में? नहीं लूंगी, लेकिन हमने एक साथ में गाना कर रहे हैं, बहुत ही फन सॉन्ग है। बट जो मेरे साथ तुम लोग आगे पीछे नाचोगे ना, इसको मत लियो, इसको सिर्फ घुमाने के लिए लियो और उसको भगा दियो। गाइस पूनम दीदी ने बोला है जब हम शादी करके आएंगे ना जयपुर से, तो पूनम दीदी क्या सबसे पहले ये दोनों जाएंगे अमृत उद्यान, अपने टीम लेके जाएंगे अमृत उद्यान, कैमरा अमृत उद्यान, मुगल गार्डन का नाम जो चेंज हुआ है, मुगल गार्डन हम लोग देखने जाएंगे, क्योंकि बताए हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब भी हमारे घर में गेस्ट आते थे हम उनको मुगल गार्डन घुमाने लेके जाते थे, हर हफ्ते का इधर संडे को हमें रेस्ट नहीं मिलता था, हम सिर्फ अपने गेस्ट को लेके जाते थे घुमाने के। हम लोग इतना बोर हो गए थे वो उनको घुमा घुमा के, मतलब खुद घूम घूम के उसके अंदर, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है। नहीं यार अच्छा तो है यार, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो एक बंदी के लिए एक बारी, एक सीजन में एक बारी के लिए अच्छा है ना, पांच पांच बारी के लिए थोड़ी। कर लिया पिक, हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए, कुछ घर का नहीं, सूटकेस लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग कैंटीन। मैं पहले ही बना चुका हूँ। क्या बना चुका? पहले मैं पहले ही बना चुका हूँ, तुझसे पहले देखा दूंगा। अरे चोर, मैं दिखा देता हूँ हमारे घर कितना अच्छा डेकोरेट हुआ है। वाओ, शादी के लिए सब कुछ तैयार हो चुका है, घर के सामने एक टेंट यहाँ पर क्योंकि अब लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो सबके लिए खाना यहाँ लगेगा, यहाँ हलवाई बैठेंगे। ऐसा लास्ट हुआ था मेरे एंगेजमेंट पे, लेकिन हाँ घर नहीं सजाता इतना अच्छा जितना भी सजाया हुआ है। यार फर्क तो होता है ना एंगेजमेंट में और शादी में, तो आज मैंने यहाँ पर अपने काफ़ी सारे काम निपटाए। नीतू अभी भी दिल्ली में है, पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, मम्मी बुलंदशहर गई हुई है, और अजय भैया चाबी लेके खड़े हुए हैं उसकी यहाँ की। भाई साहब उसने गलती कर दी क्या तुम्हें गाड़ी देके? ये तुम चाबी उसकी उठा लाए और वापस नहीं देके आ रहे हो? मैं क्यों देखा हूँ, जब क्या क्या गाड़ी उसने हमने खरीदी है तो हमने ले ली, तो ये थोड़ी खरीदी है। अरे चाबी तो लइए ना, कहाँ से आते हैं? बस भाई ठीक है। अजय भैया ये छाते उल्टे क्यों लग रहे हैं? तो आगे से बचा था, छाते ऐसे लगवाओ ना ताकि बारिश वारिश से बचे। ना ना बारिश ना पड़ रही, बारिश का मौसम ही ना है। अब देखो छाते अगर ऊपर से कैसे बचाएंगे, तो उल्टे लगाए हुए ऊना है, बारिश कोई बारिश के लिए लगाए हमने ये। ये डिजाइन है ऊना है, ऊ मतलब क्या था इसमें? ये डिजाइन नहीं है। अरे डिजाइन नहीं है, अभी तो कह रहे हो डिजाइन है ये।
ऊ ना है मतलब ऊ क्या? वो बारिश नहीं है ना, ये बारिश नहीं है, बारिश आएगी नहीं इस वजह से हमने सीधे लगाए उल्टे ना लगाए। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा अगर आएगी तो फिर जब उल्टे हो जाएंगे अपना। कितना देर लगे उल्टा करने में? हाँ ये टेंथ मैन जो लग रहे, देखो कैसे लगवाया तुमने, वो लटक रहा नीचे यार। अरे अभी क्या कर हो रहा है, काम सारे ऐसे होंगे जब ये हो रहा है उसका काम, ठीक है ना। तुम तो इंस्टाग्राम पे बस वो कर रहे होगे मैसेज सबको, रिप्ले ना रिप्ले इतने भी ना करता, बहुत हेल्प मांगे हैं। अभी भी ये पूरी तरीके से लगा नहीं है, गोलू हमारा वन मैन आर्मी है, सारे काम निपटा लेता घर के अकेला। डेकोरेशन करा रहा हूं। बढ़िया बढ़िया, ये सब कहाँ लाएंगे भाई? बहुत सुंदर घर लग रहा है अभी तो यार, मुझे पहली बार स्पेशल वाली फीलिंग आ रही थी कि मेरे लिए ये सब हो रहा है। दो मिनट में रिक्की ने गलत फहमी दूर कर दी, कहता है भाभी घर आ रही है इसलिए सब हम सजा रहे हैं घर को, मतलब मेरे लिए कुछ नहीं है यार। हाँ आज हम फिर से साउथ एक्स में जूलीस कदम किए और ये बकवास कर रहे हैं। अभी मुझसे मिले, कहीं और चले गए थे मार्केट, मैं और मम्मी कर रहे हैं यहाँ पर शॉपिंग और हमारी खत्म। शादी से पहले मम्मी को मैंने गिफ्ट दे दिया, लास्ट गिफ्ट, उसके बाद अब शादी के बाद बाय बाय टाटा। मुझे लगता है संदीप तुझे ये वाला बैग लेना चाहिए, तेरे आउटफिट के साथ मैच करेगा वाला बैग, ठीक है? या फिर संदीप इसमें भी तो अच्छा लगेगा क्या? चांदनी चौक जाके बेचने लग जा। यहाँ पर काफी अच्छा कलेक्शन है और काफी एक्सपेंसिव भी है, दोनों चीज सेम है। ये देखो मैंने ना चार पेयर शूज लिए हैं, हील्स लिए हैं, तो ये क्या कहती है, क्या बोला तूने? चार पेयर ऐसे लिए जिसके पास है ही नहीं है। नहीं शादी किसकी है? शादी तेरी, तो मतलब चार चार पेयर 10 भी लूंगी मैं, समझी? बहादुर भाई क्या हो गया, कौन लड़ रहा है तुमसे? क्यों लड़ रही बहादुर भाई से? तो मिठाई क्या खट्टी होगी? मिठाई क्या खट्टी होगी? ये बहादुर भाई पे नाम लगा रही है, झूठा नाम। क्या है बहादुर भाई मुझे बताओ, ये भी खट्टा है? बहादुर भाई नींबू दे दो इसको। अरे तो यार हर चीज तो मीठा मीठा बता रही है ये क्या, अब जो खा रही है क्या खट्टा है? ये खट्टा है, ये ले ले पापे। बहादुर भाई कुछ भी दे दोगे क्या? पापे निकाल के दे रहे हो? चाय के साथ तो क्या दूं, चाय के साथ तो कुछ मत दो यार। आज की बम्मू बम्मू, अरे बेड़े भाई क्या बात है भाई। भाभी नमस्ते, कैसी हो भाभी? नमस्ते बुआ जी, नमस्ते। मेरी नेक्स्ट सीसी बुआ कब आई? अभी आए, बिल्कुल अभी आई हो क्या? भाभी के साथ आई हूं। मम्मी घर कितना अच्छा सजवाया आपने यार, मतलब मैंने देखा आपने, मैंने घर कितना अच्छा सजवाया देखा ना अभी आपने। बाहर को निकल के देखो, कलर का है? पिंक ऑरेंज, बाहर को निकल के देखो। खाना बन रहा सबके लिए, खाना भी बन रहा है। क्या, क्या? नमस्ते, क्या क्या आज क्या करा ये बताओ, तू बता। अरे आपने क्या करा अपनी बताओ, मुझे रिपोर्ट देख लो डेली आके। अच्छा अरे मान जा मम्मी, ये रही अभी बहादुर से लड़ रही, बहुत पागल मिठाई वाले उसमें कह रही है, तो सब मीठा है। मिठाई कैसी होगी बताओ, खट्टी? सोने चाय मजाक कर रहा हो या ना कर रहा हो, किसी से लड़ मत जाइए, पहले बता रहा हूँ। काम सारा खुद करना पड़ जाएगा, नहीं याद रखियो शादी के टाइम पे। वैसे तू तो बहुत काम की मशीन है, कुछ करती ना धरती। मेरे बेटा ये प्यारा सा बेटा, मैं अपने बेटा को जो गाड़ी में घुमाने ले जाऊँ ना। मत कहो भाई, मत कहो भाई, मत कहो, और ज्यादा ऐसे होगा ये। नहीं नहीं पागल, हट जा, मैं अपने बेटा को घुमाने ले जाऊंगी। दीदी तुझे कुछ मिला चाय के साथ पीने के लिए? नहीं मिला। ऐसा होता है जब आप घर के फेवरेट चाइल्ड नहीं होते तो ऐसा ही होता है। हूँ तो मैं भी नहीं, लेकिन मैं इतना ज्यादा वो नहीं हूँ जितनी ये रैंकिंग में से तो पर ही हूँ मैं। इसकी रैंकिंग क्या है, किस चीज में फेवरेट नस में? क्यों बहन क्या है तेरी रैंकिंग? गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो दीदी है ना, दीदी जो कैमरे के आगे है तो वो बहुत शांत शांत रहेगी, आप लोगों की सिंपैथी उसे मिलती रहती है, लेकिन कैमरा बंद होते ही ये बिल्ली है, बिल्ली नोचने वाली बिल्ली। ये देखो बिल्ली कितनी शांत होकर बैठी है, तेरे व्यूज नहीं आ रहे ना, मेरे को ले रहा है। मजा आया नहीं, व्यूज खूब आ रहे मेरे। मैंने सोचा यार तेरी वाली ऑडियंस भी, उनको भी एक बार तुझे भी दिखा दूं ना, कि ऐसा ना हो बिल्कुल छोड़ के चला जाए मेरा चैनल, कि अब तो है आएंगी नहीं तो बैलेंस बनाना पड़ता है बीच बीच में। भैया की इतनी बड़ी गलती है जो मेरे भाई को नुकसान दे रही है, देखो इतने सारा सामान लेकर। सैंडी भैया को पूछ के रखा था ना? नहीं नहीं सैंडी से क्या पूछेंगे, बेचारे को लग गई अब, कोई नहीं भाई कोई नहीं। वाह यार घर से निकलते ही जो चेहरे पे लाइट पड़ी है, ऐसा लग रहा है मैं कहीं स्टेज पे खड़ा हूँ और पूरी लाइमलाइट स्पॉटलाइट मेरे ऊपर। आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है घर, ये देख सकते हो आप, ये वाली लाइट्स हैं जो मेरे चेहरे पर पड़ी हैं। पूरा शादी का माहौल सेट हो गया यार,
अरे गोलू यहाँ तो एक वो तो लिखवा दे, लखन वेड्स नीतू है भाई। हाँ, ये तो लिखवा। आप सिर्फ ब्लॉग बना रहे हो सुबह से, और मैं जो कर रहा हूँ वो भी तो दिखाओ। एक काम कर, तू ब्लॉग बना, मैं करूंगा ये। है मैं लाइट वाइट लगाऊंगा बेटी। और ये पता नहीं बहादुर भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बहादुर भाई इधर क्या कर रहे हो दोस्त, दिखवा रहे हो खाना वाना? सीख ठीक बन रहा है? क्या बन रहा है आज, क्या बन रहा है बहादुर भाई? खुद के लिए बना रहे हैं। अच्छा, खुद के लिए बना रहे हैं। कल से यहाँ पर खाना बनेगा सब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं घर पे। अब तो सबका पहले से बंदोबस्त कर दिया है, कोई भी भूखे पेट ना रहे, सबको खाना टाइम पे मिलता रहे। घर में बहादुर भाई को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, अकेला आदमी कितने के बनाएगा यार, इसीलिए यहाँ पे सबका इंतजाम कर दिया है। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।